दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। यह है दोस्तों लाउड स्पीकर, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, और इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हो। ये दोस्तों आवाज़ तो दे रहा है, थोड़ा थोड़ा आवाज़ दे रहा है, तो इसको मैं आज रिपेयर करूँगा। इसको कैसे रिपेयर किया जाता है इस वीडियो में आपको पूरा पता चलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस हॉर्न को थोड़ा सा आपको आवाज़ सुना देता हूँ कि ये जो है किस तरीके का आवाज़ मुझे दे रहा है। तो फिर से ये जो है थोड़ा थोड़ा आवाज़ जो है दे रहा है, इतना अच्छा आवाज़ जो है ये नहीं दे रहा है। इसीलिए दोस्तों इसको मैं आज रिपेयर करने वाला हूँ। इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको जो है रिपेयरिंग किया जाता है। दोस्तों इस हॉर्न को रिपेयर करने के लिए आपके पास कुछ तीन चार चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको रिपेयर करने के लिए। जिसमें पहला आता है ये कॉइल आता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये कॉइल है दोस्तों। ये मार्केट में आपको 20 से 25 रुपए के आसपास में मिल जाता है। आप कहोगे कि मेरे पास छोटा हॉर्न है और उसी का क्वाइल चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ये जो है मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे। और इसके बाद दोस्तों आपके पास ये रंगा होना चाहिए, उसके बाद ये पेस्ट होना चाहिए, जिससे आप इसको जो है रिपेयर कर पाओगे। और इसके बाद दोस्तों ये जो है इस तरीके का आयरन आपके पास होना चाहिए, जिससे आप जो है अच्छे से इसको सोल्डरिंग वगैरह कर पाओ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ, उसके बाद मैं इसको कैसे खोला जाता है सब कुछ आपको बताता हूँ सामने से। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको मैं एक यहाँ पे स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड्स इसको निकलने के बाद, यहाँ पर स्क्रू खोलने के बाद कुछ इस तरीके से आपको जो है ये वाला निकाल लेना है फटाक से। यहाँ पर देख सकते हो तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ से निकाल लिया दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ से। अब दोस्तों मेन जो काम होता है यहाँ पे होता है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हमें खोलना है, उसके बाद जो है इसको रिपेयरिंग वगैरह करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं खोल लेता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको स्क्रू दिखाई देगा, तीन स्क्रू ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसको खोल लेते हैं। सो दोस्तों इसको मैं निकाल लिया हूँ और यहाँ से दोस्तों इसको सिंपली सा निकाल लिया जाता है, कुछ इस तरीके का रहता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको भी मैं साइड में यहाँ पे रख देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये जो पर्सन है इसको सिंपली सा ऊपर की तरफ करोगे तो ये भी निकल जाता है। इसको भी दोस्तों साइड में रख देता हूँ। अभी जो मेन जो चीज़ें होती है, मेन जो स्पीकर है दोस्तों यही है, इसमें मुझे काम करना होगा। और इसको रिपेयर करने के लिए सिंपली सा इन तीनों बोल्ट को ओपन करना होगा, खोलना होगा। तो दोस्तों मैं इसको खोल देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो ये तीनों स्क्रू मैंने खोल डाला है, और इसके बाद जो है इसको सिंपली सा ऊपर की तरफ करोगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको पर्सन मिलता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए यहीं पे इसी में जो रिपेयरिंग होता है सब कुछ यहीं में होता है। ये मैग्नेट में आपको कोई भी रिपेयरिंग वगैरह नहीं किया जाता, इसमें दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आती है। ये काफ़ी अच्छा मैग्नेट होता है, और इसको टूट जाए फूट जाए तो ही इसमें प्रॉब्लम आती है, बाकी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं आता है। मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों इसी के अंदर आता है। तो इसी को सोल्डिंग वगैरह करके निकालना है, और उसके बाद जो है इसको यहाँ पे सिंपली सा फिट कर देना है। दोस्तों चलिए फिट करके देखते हैं कैसा आवाज़ वगैरह आता है। तो फटाफट से इसको पहले मैं सोल्डिंग आयरन से निकाल लेता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको लगाया गया है, तो इसको सिंपली सा आपको खींचना है। खींचने के बाद ये आराम से निकल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको मैंने निकाल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मेन जो काम आता है इसको रिप्लेस करना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली सा इसको रिप्लेस कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे जो ये दो वायर है दोस्तों, इसको यहाँ पे इससे निकाल लेना है दोनों तरफ से। दोस्तों कुछ इस तरीके से ये दोनों वायर जो है निकल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब निकालने के बाद दोस्तों सिंपली सा इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डिंग वगैरह की मदद से दोस्तों इसको थोड़ा सा चिपका देना है, जिससे दोस्तों ये निकल ना पाए और यहाँ से ये उखड़ ना पाए। तो सिंपली सा इसको मैं थोड़ा सा चिपका ही देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है आपको अच्छी तरह से लग चुका है कुछ इस तरीके से। ये जो होल होते हैं दोस्तों, इसको देखते हुए आपको लगाना है कि होल के सामने से जो है ये कट जो है आपको लग जाए प्रॉपर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फिट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इन जो दो वायर जो हम लोग निकाले हैं इसमें सिंपली सा हम लोग सोल्डिंग करेंगे।
तो सोल्डरिंग करने के लिए थोड़ा सा इसमें पेस्ट में पहले ही लगा देता हूँ। दोस्तों पेस्ट लगाने के बाद थोड़ा सा ये रंगा ले लेता हूँ और इसमें दोस्तों थोड़ा सा मैं लगा लेता हूँ और इसी को जो है यहाँ पे इसी वायर को जो है इसमें लगा दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपली सा ये रंगा ले गया मैंने। दोस्तों ये जो है कम्प्लीटली इसमें सोल्डरिंग वगैरह कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको वायर को जो है प्रॉपर इसमें चिपका दिया जाना चाहिए जिससे जो है ये उखड़ ना पाए दोबारा, तो इसको अच्छे से आपको चिपका लेना होगा दोस्तों। ये तो हो सके दोस्तों ये उखड़ जाए दोस्तों यहाँ से तो आपको दिक्कत वगैरह आ सकती है, तो इसको दोस्तों थोड़ा सा इसी में मैं इसको चिपका दिया हूँ। सो फिर यहाँ पर अपना मेन जो काम है यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, अब इस वाले पोर्शन को दोस्तों मैग्नेट के अंदर डालना है। इस मैग्नेट के अंदर दोस्तों इसको डालना है। तो डालने से पहले दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो चीज़ है इसको भी आपको इसी के साथ लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लगा लेता हूँ अच्छी तरीके से। अब यहाँ से दोस्तों होल के सामने सामने इसको रख के और यहाँ पे इसको कसने के लिए थोड़ा सा जो जगह है यहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार जो है इसको लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देकर इसको लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगा लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसको फिट करना है ताकि जो है होल जो है एकदम सामने सामने आपको लगे, और उसके बाद जो है इसमें इसको अच्छे से टाइट कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पे ये जो है इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली सा इसको थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसका साउंड वगैरह अच्छा आ रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों काफ़ी मस्त इसका साउंड वगैरह आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको सिंपली सा पहले इसको लगाना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसको फिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको भी दोस्तों यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे इसके यहाँ पे और यहाँ पे इस पर स्क्रू कसाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों होल के हिसाब से आप देख सकते हो ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है उसके सामने सामने आपको रख के इसको टाइट करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली इसको कुछ इस तरीके से बैठा देना है। सो दोस्तों अब यहाँ पे जो है ये काम कंप्लीट हो चुका है इसका। अब दोस्तों यहाँ पे इसको हॉर्न के अंदर डालना है। तो हॉर्न के अंदर डालने के लिए यहाँ पे सिंपली सा इसको कुछ इस तरीके से लेना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये होल है, इसके अंदर दोस्तों इसको अच्छे से बैठा देना है। तो दोस्तों ये जो होल है दोस्तों इसी के अंदर से यहाँ पर वायर जो है निकलता है, तो वायर निकालने के लिए होल दिया गया है, उसी वायर के सामने सामने आपको इसको इंसर्ट करना है। तो दोस्तों इसको पूरा सीधा स्ट्रेट रखते हुए इसको जो है बैठाना है दोस्तों, ताकि जो है अच्छा लगे देखने में। और उसके बाद दोस्तों इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा अच्छे से टाइट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको प्रॉपर मैंने कस दिया है। अब यहाँ से वायर निकालना है, तो वायर को दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका मुंह को जो है जोड़ देना है, एक बना लेना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इसको जो है इस तरीके से अपने उंगलियों के सहारे दोस्तों इसको जो है निकाल लेना है बाहर की तरफ। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको जो है इसको निकाल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इसका वायर भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ये कम्प्लीटली दोस्तों बन चुका है। अब मेरा हॉर्न जो है रेडी है, यहाँ पर तैयार हो चुका है बजने के लिए। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और इसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी इजी तरीके से आप जो है अपने हॉर्न को घर पे ही रिपेयर कर पाओगे। दोस्तों आप कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज करके, जैसे कि ये आना हो गया, ये पेस्ट हो गया, और ये दोस्तों ये सोल्डरिंग आयरन, इन चीज़ों की मदद से
आप काफ़ी अच्छे से 10 से 20 रुपए के खर्च के अंदर जो है इस हॉर्न को आप अच्छी तरीके से बना सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से। दोस्तों काफ़ी इजी था इसको बनाना, आपको रिपेयर करना आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया होगा तो फिर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।